19 people were killed and 4 injured after a compound wall crashed in the Malad East area this morning. A 10-year-old girl is also trapped in that debris. There's been a massive rescue operation. Now, one woman who was trapped in that debris was pulled out earlier. This was after a 12-hour operation. However, that girl still remains trapped. One more body was pulled out. That takes the total number of dead to 19. The National Disaster Response Force is at the spot helping in that rescue operation. NDTV's Sunil Singh sent us this report. तकरीबन 12 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार दीवार के बीच फंसी एक महिला को फिलहाल निकालने में कामयाब हो गए हैं मुंबई फायर ब्रिगेड के लोग. देख रहे हैं कि अभी कैसे सुबह से ही पूरा जो दीवार गिर गई थी उसे काटा जा रहा था, ड्रिल किया जा रहा था, फिर एक बार ड्रिल करने के बाद फिर दूसरा तरफ से लगातार काटते हुए आखिरकार अब जाके 12 बजे के करीब एक महिला को यहां अंदर जो दबी हुई है थी उसे बाहर निकालने में कामयाब ली है होकर अभी अस्पताल के लिए भेजा जा रहा है. लेकिन उस बच्ची का अभी भी इंतजार है जो कि 10 साल की बच्ची है जिसे यहाँ के जो बचाव कर्मी हैं कुछ बात भी कर पा रहे थे. संचिता ननौरे जिसका नाम बताया जा रहा है वो अब भी अंदर फंसी हुई है, उसे निकालने की फिलहाल कोशिश जारी है. मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए. In fact, the chief minister also tweeted on Malad that pain to know about the loss of lives in the wall collapse. My thoughts are with the families of those who lost their loved ones. 5 lakh will be given to the kin of the deceased. दोपहर के 2 बज गए हैं. उस छोटी बच्ची को निकालने की कोशिश जहां अभी तक जारी है, वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ ने दूसरे एक जगह से एक झोपड़े से हम देख रहे हैं कि एक शख्स को यहां पर निकाला है. बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ के जो खोजी कुत्ते आए हैं उन्होंने इस शख्स के मलबे के नीचे तलाश की तब जाकर मिले और उसके बाद अब एनडीआरएफ वाले इस शख्स को स्ट्रेचर पर लेकर एम्बुलेंस में डाला जा रहा है और यहाँ से फिर अस्पताल के लिए भेजा जाएगा इलाज के लिए. उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी. फिलहाल उस छोटी बच्ची को निकालने की कोशिश अभी भी लगातार जारी है. अभी डॉक्टरों को बुलाया गया है, उसे सलाइन भी दिया गया और अगल बगल के जो है जो भी बाधा उसके पास है वो सब काट कर दूर करने की कोशिश चल रही है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल रही है. इस हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है. 65 के करीब लोग जख्मी हैं लेकिन सबको उम्मीद है और जो सबकी आस लगी है वो इस बच्चे की तरफ लगी है कि इसे सही सलामत निकाल लिया जाए जिसकी कोशिश लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से चल रही है.